शी जिनपिंग ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा खत और कहा कि हम आपकी मदद करना चाहते हैं। अब जो देश कल तक भारत के खिलाफ खड़ा था, जो भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था, आज वही देश भारत की मदद क्यों करना चाहता है? क्या यह सिर्फ इंसानियत के कारण है या फिर इसमें चाइना का कुछ स्वार्थ भी है? तो आज खबरी दुनिया की रिपोर्ट में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूँ आप सभी को हमारे चैनल अभी का ज्ञान में। आइए जानते हैं। चलिए आज की एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के ऊपर आते हैं। शी जिनपिंग ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खत लिखा है। इस खत में लिखा गया है कि भारत में जिस तरीके की परिस्थिति है, इसको देखते हुए हम बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है, यानी कि हम सिंपैथी दिखा रहे हैं भारत के लिए। और इनका कहना यह है कि देखिए, इंसानियत सबसे पहले है, इसलिए हम आपकी मदद करना चाहते हैं। देखिए, इंसानियत की बात कौन कर रहा है, वो भी चाइना। इससे पहले चीन के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के बीच बातचीत भी हुई थी और भारत ने आखिरकार स्वीकार किया था कि हम चाइना से मेडिकल सप्लाई लेंगे। तो इसके तहत पहला जो बैच चाइना से आया है, इसमें लगभग 800 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर्स, साथ ही साथ 5000 वेंटिलेटर्स, 2500 ऑक्सीजन जनरेटर्स और लगभग 2 करोड़ से भी ज्यादा मास्क, ये पहले बैच में चाइना से हमारे पास आए हैं। लेकिन चाइना ने हमें वैक्सीन के लिए भी मदद पहुंचाई थी। चाइना ने हमें कहा था कि हम आपको वैक्सीन भी देने वाले हैं। अब भारत ने सभी मेडिकल सप्लाई तो चाइना से लिया है, लेकिन वैक्सीन को लेकर कोई भी रेस्पॉन्स भारत ने चाइना के खिलाफ दिखाया नहीं है। देखिए, आपको क्या लग रहा है, क्या चाइना हमारी जो मदद कर रहा है ये इंसानियत के कारण कर रहा है या फिर इसमें चाइना का कुछ स्वार्थ है? क्योंकि चाइना को भी पता है कि भारत के जितने भी अच्छे अच्छे दोस्त हैं, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो यूएसए हो, रशिया हो, ये सभी लार्ज क्वांटिटी में भारत को मदद पहुंचा रहे हैं। तो इस समय पर चाइना, जो कि भारत का दुश्मन है, ये हमारे आगे ये प्रस्ताव क्यों रख रहा है? तो एक हार्श रियलिटी ये है कि चाहे दुनिया में महामारी आए, भूकंप आ जाए, दुनिया तबाह हो जाए, कुछ चीज़ें बदलती नहीं है। जियोपॉलिटिक्स में हमेशा स्वार्थ ही देखा जाता है। स्वार्थ के कारण ही अलग अलग देश अलग अलग देशों के पास जाते हैं। तो यहाँ पे शी जिनपिंग का स्वार्थ ही है। कैसा स्वार्थ? देखिए, पहली बात, शी जिनपिंग की छवि एकदम खराब हो चुकी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, खासतौर पे भारत में। भारत में एंटी चाइना सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं चाइना के खिलाफ। तो ऐसे में दोस्तों, शी जिनपिंग इस समय पर चाहते हैं ये जो छवि है ये बिल्कुल बदल दे। अब चाइना के बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं भारत में, चाइना भारत में निवेश करना चाहता है, ये पहले से ही उनके प्लान्स है। आज की डेट में भारत में एंटी चाइना सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बहुत सारे इंडियन स्टार्टअप्स ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट को एक तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। 2020 में 29% कंपनीज, यानी कि 29% कंपनियाँ ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट को प्रिफर कर रहे थे। 2021 में ये घटकर 3% हो चुका है। तो आप समझ सकते हो, कोई भी चाइनीज इन्वेस्टमेंट को इस समय पर प्रिफर नहीं कर रहा है। अब मान लो अगर आज की डेट में भारत और चाइना के बीच रिश्ते सुधर जाते हैं और हमने चाइनीज इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, कल की डेट में कोई गारंटी नहीं है कि चाइना गलवान घाटी में दोबारा स्टैंड अप नहीं करेगा। उसके बाद होगा क्या, जितनी भी कंपनियों ने चाइनीज इन्वेस्टमेंट किया है उनके ऊपर फिर से दबाव आएगा और फिर से ये क्या करेंगे, ये कंपनियां जो है पूरी तरीके से डूब जाएंगी। तो इसीलिए इस समय पर ये जो शी जिनपिंग है ये अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ये भारत को मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शी जिनपिंग एंटी चाइना सेंटिमेंट्स को यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, देखिए चाइना क्या करने की कोशिश कर रहा है, चाइना साउथ एशियन COVID-19 इमरजेंसी प्लान जो है इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है। इसमें अभी तक भारत और भूटान ने ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन बाकी जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज है, चाहे वो श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, ये सभी देशों ने इसे ज्वाइन किया है। और इन सभी देशों को चाइना क्या कह रहा है, चाइना ये कह रहा है कि देखो तुम हमारी वैक्सीन ले लो, क्योंकि भारत तो वैक्सीन आपको नहीं दे सकता है, क्योंकि भारत में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, भारत में ही खुद की वैक्सीन की कमी है, तो भारत आपको ये नहीं दे सकता है, तो आप हमसे ये वैक्सीन ले लो। जाहिर सी बात है, भारत कभी भी इसे सपोर्ट नहीं करेगा। चाइना ने भारत के आगे ये भी प्रस्ताव रखा है कि देखो आप हमारी वैक्सीन का प्रोडक्शन आपके देश में कर सकते हो और हम दोनों मिलकर इसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो जाहिर सी बात है, भारत कभी ये बात नहीं मानेगा, इसलिए वैक्सीन रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं चाइना से ये भारत हमेशा मना कर रहा है। अब भारत किसकी सपोर्ट में है, भारत सार्क की सपोर्ट में है। सार्क आप सभी को पता होगा, ये 8 देशों का एक ग्रुप है जिसके अंदर चाइना नहीं है। साइट पर आप देख सकते हो, इसमें एक COVID-19 इमरजेंसी फंड है, ठीक है। भारत इसको प्रमोट करना चाहता है, भारत चाहता नहीं है कि वैक्सीन में चाइना का कुछ भी इंटरफेरेंस रहे। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा फैक्ट है कि इस समय पर नेपाल को, बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, श्रीलंका को वैक्सीन की ज़रूरत है और भारत इन्हें कभी भी इस समय पर वैक्सीन प्रोवाइड नहीं कर सकता है, बिकॉज हमारे यहाँ पर ही वैक्सीन की कमी है।
तो ये सब देशों में जो मार्केट है ये पूरी तरीके से चाइना कैप्चर कर लेगा। ये एक फैक्ट है, आपको बुरा लगे या फिर अच्छा लगे ये एक अलग बात है, बट ये एक फैक्ट है। जिस समय पर भारत में मास प्रोडक्शन नहीं हो रहा है उस समय तक ये चाइना जो है इन सब देशों के मार्केट को कैप्चर करके रखेगा। अब मई महीने से ही जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन भारत में प्रोड्यूस होनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड, इन्होंने भी फंड किया है भारत की बहुत सारी कंपनियों को ताकि ये स्पुटनिक वी जो वैक्सीन है ये भारत में बनाए। लेकिन इन सभी देशों को वैक्सीन पहुंचने के लिए और भी बहुत ज्यादा वक्त लगने वाला है, हो सकता है 2 महीने का वक्त लगेगा, तब तक चाइना जो है इन सब देशों के मार्केट को कैप्चर कर लेगा। सो इन टर्म्स ऑफ वैक्सीन अभी भी भारत चाइना से बहुत ही ज्यादा पीछे है। अब ऐसे में दोस्तों आपको क्या लग रहा है, क्या भारत 2-3 महीने के अंदर ही अंदर चाइनीज वैक्सीन को साउथ एशियन कंट्रीज में फैलने से रोक सकता है, या फिर चाइना की वैक्सीन का दबदबा साउथ एशियन कंट्रीज में हमेशा ही रहेगा? आपकी राय जो भी है नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएगा। फिलहाल आज की खबरी दुनिया की रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाता रहता हूं। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएगा, मैं उसके ऊपर जरूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूं अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।